निश्चित रूप से ये मिलावट का स्वर्ण काल है। लोग आधुनिकता और विकास का नारा लगाते हुए मिलावट के स्वर्ण काल को एंजॉय कर रहे हैं। मिलावट ही सत्य है। कभी सौभाग्य से शुद्ध माल के दर्शन हो जाए तो लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि फैशन के इस युग में 100% टंच माल कहां से आ गया। हाल ये है कि दिल्ली के ज्यादातर लोगों को अगर पूरी तरह शुद्ध हवा मिल जाए तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। देश के करोड़ों लोग शुद्ध दूध पी ले तो उनका हाजमा बिगड़ सकता है। आदत ही नहीं है। एक जमाना था जब राजनेता जमीन से जुड़े होते थे, अब राजनेता स्विस बैंक से जुड़े होते हैं, घोटालों से जुड़े होते हैं, जेल से, बवाल से, बयान से, हंगामे से, दंगे से जुड़े होते हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से जुड़े होते हैं। जमीन के अलावा जुड़ने लायक जितनी भी चीजें हैं, राजनेता उनसे जुड़े रहना पसंद करते हैं। एक पार्टी में रहते हुए कई बार उनके तार दूसरी पार्टी के नेताओं से जुड़े रहते हैं। इस कनेक्शन से अपनी पार्टी में टिकट रूपी बल्ब फ्यूज होने पर दूसरी पार्टी से करंट मिलने में परेशानी नहीं होती। लाखों करोड़ों लोग दूषित पानी पीकर और मिलावटी खाना खाकर भी उतने ही फिट हैं जितना हजारों रुपए खर्च कर जिम में फिटनेस खोजने वाले हैं। फिर भी जब कभी किसी सेलिब्रिटी के आम आदमी की तरह मिलावटी माल का शिकार होने की खबर आती है तो गरीब आदमी का लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत हो जाता है। संविधान में निहित समानता के अधिकार पर भरोसा पुख्ता हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटी के बारे में हमारा भ्रम है कि वो किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हैं जिन पर न देश की समस्याएं लागू होती हैं न कोई नियम कानून। ऐसे में होली पर आपको कोई मिलावटी माल बेच दे तो नाराज मत होइएगा। आखिर बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो मिलावट है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।